क्योंकि एक और कैटेगरी है मैट्रिसेस में जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए और मॉड्यूलस ऑफ ए। वी हैव सम एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज को यूज़ करना पड़ेगा क्वेश्चंस में। वी हैव मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू बी, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी। फ्रॉम दिस वी कैन डिराइव दिस प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस ऑफ ए पावर एन इज इक्वल टू पावर एन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए। ओके, देन वी हैव मॉड्यूलस ऑफ सम कॉन्स्टेंट के इंटू मैट्रिक्स, ए इज मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, के इज कॉन्स्टेंट स्केल। ओके, ए सपोज ऑर्डर ऑफ ए इज एन, ए का जो ऑर्डर है वो एन है, n is order of matrix A, then this will be k power n into modulus of A. Okay, if n is 3, matrix का order अगर 3 है तो यहाँ पे k cube आएगा, अगर matrix का order 4 है तो यहाँ पे k power 4 आएगा. Okay, then we have a determinant of adjoint and inverse of given matrix. Like what will be modulus of adjoint of square matrix A? This is modulus of a power n minus 1, where n is order of matrix. Okay, if order of matrix is 3, then this will be modulus of a power 2. If matrix A has order 4, then this will be modulus of a power 3, like that. Okay, then we have modulus of adjoint of a. Okay, this is modulus of a power n minus 1 square, where n is order of matrix. अगर एक बार adjoint है तो यहाँ पे n minus 1 आएगा, अगर दो बार adjoint है तो यहाँ पे n minus 1 का square आएगा, अगर तीन बार adjoint है तो यहाँ पे उसका cube हो जाएगा. Okay, like we have adjoint of a. ठीक है, इसका modulus हो जाएगा, brackets को close करते हैं properly. इसका मॉड्यूलस हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए पावर एन माइनस वन पावर थ्री. यहाँ पे जो पावर है वो उतना होगा जितनी बार यहाँ पे एडजॉइंट हमें दिख रहा है. ठीक है, देन वी हैव मॉड्यूलस ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मॉड्यूलस ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/ मॉड्यूलस ऑफ ए. कुछ और प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, वो क्वेश्चन को करने के टाइम पे देख लेंगे. कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर. Okay, we have a question from GMAIN exam, GMAIN 2022. Question is, we have to find the positive value of determinant of A if adjoint of A matrix is this. Adjoint of A matrix given है, हमें इस matrix से modulus of A का value निकालना है जो positive है. क्या करेंगे? We have adjoint of A. We have property adjoint of A is equal to modulus of a power n minus 1 square. Here n is 3, matrix ka order 3 hai, so this will be modulus of a power 4. Theek hai, ye hoga. To kya karenge, we first find the modulus of this matrix. Is matrix ka modulus nikalte hain. This will be modulus of 14, 28, minus 14, minus 14, 14, 28, 28, minus 14, 14. Okay, आपको एक simple matrix दिया गया है. ठीक है, इसको simplify करना आसान है. From each row we can take 14 common. Okay, so outside we have 14 power 3. This into 1, 2, minus 1, minus 1, 1, 2, 2, minus 1 and 1. Okay, and this is 14 cube multiplied by, we find the value of this determinant. It will be 1 into 1 plus 1, 3, minus 2 into minus 1, minus 4, minus 5. Okay, then minus 1 into 1 minus 1, 1 minus 2 minus 1. Okay, and this is 3 plus 10 plus 1, 14. So we have here 14 power 4. This is actually modulus of a power 4. This is 14 power 4. Okay, so modulus of a will be 14. मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस माइनस 14 हो सकता है, पर हमें यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ ए का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पॉजिटिव वैल्यू निकालना है. सो आंसर इज 14. ओके
Okay, now we have this question. Let A be 3 cross 3 matrix and if modulus of adjoint of 24A is equal to modulus of adjoint of 3 into adjoint of 2A, then find square of modulus of A. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है. मॉड्यूलस के ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी एक्सेप्ट इनवर्स, मॉड्यूलस ऑफ इनवर्स. एलएचएस से स्टार्ट करते हैं. वी हैव मॉड्यूलस ऑफ एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. वी हैव प्रॉपर्टी मॉड्यूलस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर एन माइनस वन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए, वेर एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. हियर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3. सो दिस विल बी मॉड्यूलस ऑफ 24A पावर 2. ओके, एंड दिस विल बी वी कंसिडर दिस मैट्रिक्स, वी हैव एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड मॉड्यूलस ऑफ दिस विल बी मॉड्यूलस ऑफ 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2A पावर 2. ठीक है यहाँ तक. ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे? We use this property, modulus of k into a is equal to k power n into modulus of a, where n is order of matrix. So modulus of 24a will be 24 power 3 into modulus of a. So we have square of this, modulus of 24a ye hoga, hamare paas uska square hai, theek hai. And this will be 3 cube into 3 cube into modulus of adjoint of 2a whole power 2. ये होगा ना, ठीक है. सिस्टमेटिकली आगे बढ़ते हैं, ठीक है. जल्दी करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी. दिस इज 24 पावर 6 इंटू मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर एंड दिस इज 3 पावर 6 इंटू मॉड्यूलस ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a विल बी मॉड्यूलस ऑफ 2a पावर 2. We have square of this, so here we write power 2. ठीक है ना, समझ में आ रहा है. एंड दिस विल बी 24 ओवर 3 इज 8, सो वी हैव 8 पावर 6 इंटू स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 2a पावर 4 एंड मॉड्यूलस ऑफ 2a विल बी 2 क्यूब इंटू मॉड्यूलस ऑफ ए. सो पावर 4 ऑफ दिस विल बी 2 पावर 12 इंटू मॉड्यूलस ऑफ ए पावर 4. ओके, दिस इज बाय द वे 4 पावर 6, 8 पावर 6 ओवर 4 पावर 6 विल बी 2 पावर 6. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए. सो इन फैक्ट वी वॉन्टेड दिस, स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए इज 2 पावर 6 मीन 64. ठीक है. ओके, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Let A and B be 2 3 cross 3 matrices such that A into B is I and modulus of A is 1 upon 8. Then find the value of modulus of adjoint of B into adjoint of 2A. A into B is I, so A and B will be inverse to each other. Agar do matrices ka product I hai, to wo dono matrices ek dusre ke inverse hote hain. Theek hai, ye hum jante hain. Modulus of A is 1 upon 8, so modulus of inverse of A will be 8. Theek hai? Now, we have to find the value of this. Start karte hain. We have adjoint of this matrix. Okay. So, modulus of adjoint of this will be modulus of B into adjoint of 2A power 2. 2 means 3 minus 1. Order of matrix is 3. So, yahan pe power 2 aayega. Okay. Then, this will be modulus of B into modulus of adjoint of 2A. Whole power 2. Okay, we have product of matrices, so its modulus will be product of modulus of this matrices. Okay, AB property hai. Then this will be modulus of B into modulus of adjoint of 2A will be modulus of 2A power 2, this whole power 2. Okay, now modulus of 2A is kya hoga? Modulus of 2A, this will be 2 cube into modulus of A because order of matrix A is 3. From this we get modulus of B into square of this will be 2 power 6 into square of modulus of A. Okay, we have square of this product and this will be modulus of B is 8. So we have 8 into 2 power 6 into modulus of A is 1 upon 8. So we have here 1 upon
8 square is 2 power 6, whole square 2 power 6 gets cancel out, so we get value 64. ठीक है, तो एक मजे की बात है, अगर सारी प्रॉपर्टीज हमें आती हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाते हैं. अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली इनको छोड़ना नहीं चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि कुछ ही प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हर एग्जाम में ऑलमोस्ट हर एग्जाम में क्वेश्चन तो आता ही है. ठीक है, ओके, नाउ योर क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूलस ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड मॉड्यूलस ऑफ ए इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इनवर्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स. वी हैव हियर इनवर्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, हमें इसका मॉड्यूलस निकालना है, प्रॉपर्टीज यूज करते हैं. वी फर्स्ट कंसिडर दिस मैट्रिक्स, वी हैव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, सो मॉड्यूलस ऑफ इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ये होगा ना. ठीक है, वी हैव प्रॉपर्टी मॉड्यूलस ऑफ पी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ पी, हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, मॉड्यूलस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स विल बी मॉड्यूलस ऑफ ए इनवर्स स्क्वायर. ठीक है, एंड मॉड्यूलस ऑफ ए इनवर्स इज मॉड्यूलस 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए, सो दिस विल बी स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए, मॉड्यूलस ऑफ ए इज 2, सो आंसर इज 4. ठीक है, तो एक बार अगर पकड़ आ जाती इन कॉन्सेप्ट के ऊपर तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी निकलते हैं. ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ओके, अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, if a square matrix of order 5 and 2a inverse is a transpose, then find the remainder when modulus of adjoint of a is divided by 7. By the way, what will be this modulus of adjoint of a? We have here adjoint 3 times, so this will be modulus of a power n minus 1 power 3. Okay, n is order of matrix, order is 5, so this will be modulus of a power 4 cube is 64. Okay, then we should find the value of modulus of a. Kahan se aayega value? We have this equation 2 into a inverse is equal to a transpose. Kya karenge? So we take modulus on both sides, two matrices are same, so their modulus will be also same, so we get 2 into modulus of 2a inverse is equal to modulus of a transpose. Modulus of a transpose is modulus of a, and this is 2 power 5 into modulus of a inverse. Okay, and modulus of a inverse is kya hota hai, modulus of a inverse, it is 1 upon a, so we have 2 power 5 is equal to square of modulus of a. Okay, and square of modulus of a power kya hoga, power 32, this is 2 power 5, so this will be 2 power 5 into 32 or 2 power 160, ye hoga 2 power 160, ye is matrix ka modulus hoga, bahut bada value hai. Aage kya kare, now we are dividing this by 7. Suppose this is e को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, सो e पावर 7 विल बी 2 power 160 over 7. क्या करते हैं, हाउ वी गेट रिमाइंडर, यूज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन. क्या करेंगे, वी राइट दिस एज 8 इज क्लोज टू 7 विद रेफरेंस 1, तो हम इसको 8 के फॉर्म में लिखते हैं. 8 मीन्स 2 cube, this is not divisible by 2. Number close to 160 which is divisible by 3 is 159. Okay, sum of digits is 6 plus 9 15, jo 3 se divisible hai, to ye number 3 se divisible hoga, so we write 2 into 2 cube power 53, ye hoga ra, this over 7, this is 2 into 8 is 7 plus 1 power 53, this over 7. Okay, this will be 2 into 7 plus 1 power 53 will be 7m plus 1, is type ka number hoga, this over 7, so remainder will be 2, required remainder will be 2, because this will be number of type, ye number ho jayega 7m over 7 में से 7 कैंसिल होगा, सो वी विल हैव 2m plus 2 over 7, ये तो इंटीजर है, सो रिमाइंडर विल बी
टू, तो एक अच्छा मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है जेई में, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, दो तीन चैप्टर्स को वो कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, नाउ यू दिस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जेई मेन एग्जाम से। मैट्रिक्स ए गिवन है, दिस इज मैट्रिक्स ए वेयर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा एंड अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अल्फा बीटा गामा आर थ्री डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। इफ मॉडुलस ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ओवर दिस अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा होल पावर 16, दिस इज 2 पावर 32 इंटू 3 पावर 16, देन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स अल्फा बीटा गामा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट का यूज़ होगा, मैट्रिक्स का यूज़ होगा, देन विल हैव यूज़ ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रिपलेट्स निकालने। ठीक है, तो जेई में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, स्टार्ट करते हैं। वी हैव मॉडुलस ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, क्या होगा ये, दिस विल बी मॉडुलस ऑफ ए पावर एन इज 3, एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सो 3 माइनस 1 इज 2, 2 पावर 4, हियर एडजॉइंट इज अपीयरिंग 4 टाइम्स, सो वी राइट 2 पावर 4। ओके, सो दिस इज पावर 16 ऑफ मॉडुलस ऑफ ए, दिस ओवर दिस, इसका वैल्यू गिवन है। ठीक है, क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ ए, इसका वैल्यू निकालते हैं। क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ ए लिख लेते हैं अल्फा बीटा गामा, देन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, देन बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू, ऑपरेशंस कुछ अप्लाई करते हैं, रो 3 में रो 1 को ऐड करते हैं, वी विल हैव अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वी टेक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन, सो वी गेट दिस वन, दिस डिटर्मिनेंट। ओके, देन वी अप्लाई 2 रो इंटरचेंजेस, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। ओके, देन वी इंटरचेंज दिस 2 रोज, वी गेट डिटर्मिनेंट, वी गेट डिटर्मिनेंट 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स। ओके, इट्स वैल्यू इज अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, दिस इज देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा। ओके, सो वी हैव इन न्यूमरेटर पावर 16 ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर में मॉडुलस ऑफ ए पावर 16 है, तो आएगा न्यूमरेटर में दिस पावर 16 ओवर दिस, सो वी गेट फाइनली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिस होल पावर 16, दिस इज इक्वल टू दिस, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, वी आर कंसिडरिंग पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज अल्फा बीटा गामा आर नेचुरल नंबर्स, दिस इज 12। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स अल्फा बीटा गामा, तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वी फाइंड पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। क्या होंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 12 माइनस 1 c 3 माइनस 1। ठीक है, फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 12 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग 3 persons इफ ईच पर्सन गेट्स एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसका आंसर ये होगा n-1 c r-1, वेर n इज नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स विच इज 12 एंड r इज नंबर ऑफ पर्सन। ओके, ये नंबर ऑफ पर्सन इज 3, तो ये आएगा 11 c 2 इज इसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू इज 55। ओके, बट आंसर इज नॉट 55, चेक करो क्यों नहीं होगा ये आंसर। अल्फा बीटा गामा डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो इसमें वो सॉल्यूशंस भी होंगे जिसमें अल्फा बीटा गामा सेम है, इक्वल है, या कोई भी दो नंबर्स इक्वल है, वी विल हैव सॉल्यूशंस इन विच ऑल अल्फा बीटा गामा सेम और एनी टू ऑफ देम आर सेम। ओके, अल्फा बीटा गामा सेम, सो देर विल बी ओनली वन सच सॉल्यूशन, 4 4 4, सम 12 है, तो जब तीनों वैल्यूज 4 होंगे तभी सम 12 होगा, सो एक सॉल्यूशन तो वो होगा
4 4 4 ओके ये ट्रिपलेट नहीं आएगा. ओके देन वी फाइंड ट्रिपलेट्स इन विच एनी टू नंबर्स आर सेम. ओके सपोज बीटा इज इक्वल टू अल्फा देन वी गेट इक्वेशन टू अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 12. ओके नाउ वी फाइंड पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन. सिंपल है, क्या करेंगे, वी स्टार्ट विथ अल्फा इज इक्वल टू 1. इफ अल्फा इज 1 ओके देन बीटा विल बी ऑल्सो 1 एंड गामा विल बी, गामा का वैल्यू क्या होगा, गामा विल बी 10. ओके एंड इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 ईच ओके देन गामा विल बी 8. इफ अल्फा एंड बीटा आर 3 देन गामा विल बी 6. इफ अल्फा एंड बीटा आर 4 ओके वो तो आ चुका है ऑलरेडी 4 4 4 देन वी कंसिडर अल्फा एंड बीटा 5 देन गामा विल बी 2. ओके सो वी हैव हियर 4 ट्रिपलेट्स. ओके सो देयर विल बी टोटल 12 ट्रिपलेट्स. व्हाई 12? वी हैव कंसिडर हियर अल्फा इज इक्वल टू बीटा बट वी मे हैव बीटा इज इक्वल टू गामा और अल्फा इज इक्वल टू गामा. तो हर ट्रिपलेट कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा. सो देयर विल बी 12 सच ट्रिपलेट्स. 12 प्लस 1 13. ओके सो वी सब्ट्रैक्ट 13 फ्रॉम 55. नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स विल बी 55 माइनस 13 इज इक्वल टू 42. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मल्टी कॉन्स्टेंट क्वेश्चन है. इसी तरह के क्वेश्चन आप जेई में एक्सपेक्ट कर सकते हैं.